अब तक आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा। हे मैन, हट जा प्लीज। रहने दीजिए संगालिया साहब, रहने दीजिए। अरे लो भैया रख लो, आप तो किसी दिन अपना घर दान कर दोगे। मुझसे किसी की परेशानी नहीं देखी है, मेरी आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि ठग हर युग में होते हैं, हर जमाने में होते हैं, गली गली में होते हैं, चप्पे चप्पे पे होते हैं। हमारे पास भी एक ठग है। हाँ, और एक काम करना, अपने दोस्त को बता देना कि बुद्धू बनाया मैंने उनको। आइए देखते हैं इस ठग के साथ इस वीडियो में क्या होता है। अजी संगानिया साहब, आप कहाँ रह गए? अरे मॉर्निंग से आपकी वेट हो रही है। हाँ हाँ, डील मैंने फाइनलाइज कर ली है। अरे गए थे ना हम लोग देखने शाहरुख खान का बंगला। अरे मन्नत क्या चीज है, हम तो जन्नत भी खरीद लेंगे। आप कब तक पहुंचोगे? अबराय जी, मैं तो सोसाइटी में ही हूँ। अरे सिंघानिया साहब, आप तो आई गए। और दूसरी ओर हमारा ठग एक्सरसाइज कर रहा था। ओ सिंघानिया साहब, ये लड़का तो वही नहीं है इसकी हमने मदद की थी। उबराय और सिंघानिया उस ठग को पहचान जाते हैं और सोचते हैं कहीं ये वो ठग तो नहीं जिसने इनको प्रीवियस एपिसोड में ठगा था। अबराय जी चलो यहाँ से। एक सेकंड, होल्ड ऑन। यार इसने हमें कहीं ठग तो नहीं लिया? अरे फिर ठग लेगा। ठग अपने पीछे उबराय और सिंघानिया को आते हुए देखता है और वहां से खिसकने की सोचता है। Hey man, stop, is that you? Hold. तू तो वही है ना जिसकी हमने मदद की थी। कहां भाग रहा है? तुझे क्या लगा तू हमें ठग लेगा? तूने हमें ठगाया ना। अरे भाई साहब, आप तो समझ रहे हो ना, मैं वो नहीं हूँ। फिर तू कौन है बे? मैं वो हूँ जो आप समझ नहीं रहे हो। क्या कपड़े हैं? ये शॉर्ट्स, ये निकर्स, ये जूते सब मेरे हैं भाई साहब। नाइस आउटफिट। ये कपड़े मेरे खुद के हैं। कल तक तो गाड़ियां साफ करता था, आज ये जलवा। आपको गलत फहमी हुई है। तुझे क्या लगा तू हमें ठग लेगा? ललित उबराय को ठग लेगा? ठग हवा में लटके हुए सोचता है अब मैं क्या करूं। अरे उबराय साहब, कहां अटका दिया इसको? अब सच्चाई बताने का समय आ चुका है। इसको अनफ्रीज करो, इसके 15 बच्चे हैं। ये जो आपके मित्र है ना सिंघानिया जी, इन्होंने बोला था आपको ठगने के लिए। सिंघानिया ठग की बात सुनकर घबरा जाता है, सोचता है कहीं इसकी ठग बोल ना खोल दे, और बोलता है उबराय जी मर जाएगा ये, लेने के देने पड़ जाएंगे, फ्रीज कर दिया इसको, अनफ्रीज कर दो। गलती कर दी इसको ठग के मैंने, अब कहां जाऊं? हे भगवान बचा ले मेरे को। कह रहा हूं पुलिस आ रही है। अरे भाई साहब अनफ्रीज तो कर दो। जा रहे हो? अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? और कुछ देर हवा में लटकने के बाद ठग अपने आप वहां से छूटकर आगे की ओर भाग जाता है। और अगले दिन सिंघानिया और उबराय कहीं जा रहे होते हैं। ठग बड़े मजे से पंजाबी लस्सी पी रहा होता है। उबराय बोलता है गरीब होने के बावजूद ये पंजाबी लस्सी कैसे अफोर्ड कर सकता है, इसको तो किसी रेडी से लस्सी पीनी चाहिए। इस कहानी का मेन ठग सिंघानिया था। सिंघानिया अपनी पोल खुल जाने के डर के कारण उबराय को वहां से खींच के लेके जाना चाहता है। चलो, अरे नहीं, 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 इसको मजा चखाएंगे, मजा चखाएंगे, फ्रीज। फिर अटका दिया इसको बीच बाजार में। अब क्या करेंगे, फिर पुलिस आ जाएगी। पुलिस का सायरन सुन के उबराय और सिंघानिया वहां से चले जाते हैं। परंतु एक सवाल हमारे ठग के मन में रह जाता है, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो बार बार उसको फ्रीज कर रही हैं? राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मोरी सुधलीनी, मैं कब से राह निहारूं। और ये हैं हमारे डांसर बाबा, जो लोगों की समस्या का समाधान डांस करते 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 हैं। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी समस्या का निवारण कर पाएंगे आप? क्यों, क्या हुआ बालक? कुछ दिन पहले मैंने उबराय नाम के व्यक्ति को ठग लिया था। तू यहाँ क्यों आया है और तुझे किसने सताया है? अभी ताजा ताजा हवा में लटक के आया है। आपको मेरे से मालूम चला है बाबा? बाबा सत्य बोल रहे हैं ना, क्यों? तुम तो बहुत चमत्कारी लग रहे हो। जो आज तूने झेला है वो तेरे पिछले जन्मों का खेला है। जस्ट हैंग ऑन, लेट मी कम बैक। वेयर आर यू गोइंग पुत्र? बाबा
मेरी बहुत बड़ी समस्या है। जब तक मैं एक व्यक्ति को एक दिन में ठग नहीं लेता हूँ तब तक मुझे मजा नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती, मेरी रोटी अजीब नहीं होती। बाबा मूर्ख बालक, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अभी तो तू हवा में लटका था, कहे तो तुझे गायब कर दूं। ए बाबा, मेरी ठगी की बीमारी का कोई उपाय तो बता दो, कोई योगासन ही बता दो। क्या कह रहा है पुत्र? कोई जड़ी बूटी बता दो। बाबा मेरे एक्यूपेशन पॉइंट दबा दो ताकि मैं आराम से सो सकूं। जो भी तेरे रोग का कारण है बाबा के पास उसका निवारण है। बाबा आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कर लूंगा। कई जन्मों से ठग रहा है तू इनको बालक, पिछले जन्म में ये रामलाल श्यामलाल थे। बाबा तुझे पिछले जन्म में ले जाएगा और वहाँ का खेला दिखलाएगा। ऐसा हो सकता है बाबा? अपनी आंखें बंद कर ले पुत्र। प्याज ले लो भैया प्याज। क्या बबुआ, प्याज बोल के ककड़ी बेच रहे हो क्या? भैया कौन से सन में खड़े हो? 1857 चल रहा है यहाँ, ककड़ी को प्याज ही बोलते हैं। कहाँ जा रहे? मुझे फिर निकल गई। Where are you going, पुत्र? बाबा आप जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कोई नहीं, ठीक है।